सालों पहले सोन नगर में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले मोहन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ मोहन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। मोहन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा परात निकला। परात देखकर मोहन दुखी हो गया। मोहन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर मोहन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। मोहन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस परात में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद मोहन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही मोहन हैरान हो गया। उस परात के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस परात में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी परात के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर मोहन खुश हो गया और उस जादुई परात को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते मोहन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन मोहन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी परात में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे मोहन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। मोहन को अमीर होते देख जमींदार राजू को मोहन पर शट हुआ। वो सीधे मोहन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई परात के बारे में पता चला। उसने मोहन से पूछा, तुमने यहाँ परात कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में मोहन बोला, सालों पहले सोन नगर में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम कर खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह परात जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। मोहन ने जादुई परात ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार राजू ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई परात लेकर चला गया। जमींदार ने भी मोहन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस परात में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर सोन नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई परात की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो परात राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई परात के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस परात के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस परात से बहुत सारे राजा निकल आए। परात से निकला हर राजा बोलता, मैं सोन नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई परात ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई परात भी टूट गया। जादुई परात के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर मोहन और जमींदार राजू ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई परात का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख। जादुई परात की कहानी से दो सीख मिलती है।
पहली की मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है।